खरगोन नगर पालिका अमले ने शुक्रवार को शहर के मुख्य मार्गों पर लीज दुकानों के बाहर किए गए निर्माण को हटाने की कार्यवाही की है। अमले ने TIT कॉम्प्लेक्स और जवाहर मार्ग स्थित दुकानों पर फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया है। हालांकि कार्यवाही के दौरान व्यापारियों की नाराजगी भी देखने को मिली। सुबह 11 बजे अमला TIT कॉम्प्लेक्स पहुंचा। यहां स्थित होटल, फोटोकॉपी दुकानों के बाहर बने पोर्च को JCB की मदद से तोड़ा गया। कॉम्प्लेक्स में करीब 17 दुकानें बनी हैं। दुकानदारों का कहना था कि दुकानें मुख्य मार्ग से अंदर हैं। पोर्च को लीज पर देने की मांग भी वर्षों से की है, यह दुकान का हिस्सा है। वहीं नगर पालिका इंजीनियर कमलाकांत जोशी ने बताया, दुकान के बाहर फुटपाथ की जगह पर दुकानें संचालित की जा रही थी, जिससे आवाजाही बाधित होती थी। इसकी शिकायत पर कार्यवाही की गई। इसी तरह जवाहर मार्ग पर थोक दुकानों के बाहर फुटपाथ पर रखे गए सामान को भी हटवाया गया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। नगर पालिका की TIT के बनी हुई दुकानें हैं, इनके कॉरिडोर में जो है लोगों के द्वारा अस्थायी रूप से बैरिकेडिंग कर लिया था। लोगों को मूविंग के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए बार बार कंप्लेंट्स आ रही थी। तो इसको आज CEO साहब ने निर्देश दिए थे कि इसको हटा दिया जाए, ये साफ कर दिया है इसको। इसके अलावा और भी कार्रवाई करनी? इसके अलावा शहर में जवाहर नगर भी है, हमारा जो सराफा है, इसके अलावा राधामंडल मार्केट है, विश्राम रोड है, जहाँ पर भी अस्थायी रूप से लोगों ने आगे बढ़ा लेते हैं, उस प्रकृति को, उनकी प्रवृत्ति को जो है हटाने के हिसाब से ये हमारी रेगुलर मुहिम है। क्या नाम सर आपका? KK जोशी। कार्रवाई क्या हुआ है कि इन्होंने जो अब बाहर से जो बरामदे से तोड़े हैं, उसके बावजूद जो भर्तियाँ जो उनकी लगी हुई है उसको ही खोद के चले गए हैं। और बरसों से हमने इसकी मांग करी है कि आगे का भरोसा हमको दिया जाए। जब बस स्टैंड पे इन्होंने दिया है, दूसरी जगह जब दे रहे हैं तो यहाँ क्यों दे रहे हैं? जबकि हमारे सब दुकान TIT कॉम्प्लेक्स के सभी दुकानदारों के आवेदन लगे हुए हैं। विगत 5 वर्षों से हम मांग करते आ रहे हैं, प्रतिशत भी पारित हुआ, इसके बावजूद भी जो है प्रतिशत नगर पालिका प्रशासन कर ही नहीं रही है। कार्यवाही कोई नोटिस दिया क्या था? पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया और कोई बात ही नहीं हुई। आके इन्हें तोड़ गए और तोड़ने के बावजूद जो बरामदे बने हुए हैं, जो उनके द्वारा फर्श लगाई गई है, उसी को तोड़ के जा रहे हैं, गड्ढे करके चले गए हैं। जो आप देख लो, नगर पालिका का नक्शा उठा के देख लीजिए कि आपने इन्होंने किस हिसाब से क्या करा है। आज ये दुकानदारों के जो है वो काम कर दिया है, तो उसकी भी फोटो ले रहे और अमला उठा के भी नहीं गए। क्या नाम मांग यही चाहते हैं कि आगे की लीज दी जाए और ये जो उन्होंने तोड़ फोड़ करी है उसको सही साट किया जाए। देवराम जोशी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।